गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अभी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो आज मेरे दूसरा दिन है डेली व्लॉगिंग का। और मैं आज संडे है तो मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, और इस वजह से मैं एक्सरसाइज करने अभी लेट आया हूँ। तो धूप थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए मेरे को बस यहाँ पर थोड़ी छाँव मिल रही है, यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी। और आज भी मेरी कोचिंग है, तो आज मैं कोचिंग जाऊँगा। मेरे व्लॉग्स को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो तब तक के, और बेल आइकन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया आज, क्योंकि मेरी क्लासेस में मेरे को लेट हो रहा है, और आज मैं लेट उठा था क्योंकि संडे था। ये चार्जर इसलिए ऊपर लेके गया था ताकि फ़ोन चार्ज हो जाए। अभी मैं जाऊंगा क्लास, तो अभी हम हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं कोचिंग। तो होगा कहता 10:30 हो गए, 11 बजे की क्लास है। मेरे को तो याद भी नहीं था, फिर एक दोस्त का फ़ोन आया था। आज स्कूटी लेके जाएंगे भाई। पहुंच चुके हैं कोचिंग, अभी चलते हैं ऊपर। ये पार्किंग में आज स्कूटी खड़ी कर दी, आज थोड़ी इस पार्किंग लॉट की सफाई हुई है। अभी मेरी कोचिंग पूरी हो चुकी है, मतलब क्लास पूरी हो चुकी है। तो अभी मैं जाऊंगा गणेश डूंगरी। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला कि यहाँ की जो अच्छी जगह देखने लायक जगह गणेश डूंगरी, तो अभी हम वहाँ चलते हैं। और धूल इतनी उड़ रही है, रोड का हाल तुम्हें पता ही है यहाँ की, तो अभी हम चलते हैं गणेश डूंगरी। Found the dust, I was born to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadow। ये पीछे आपनी टपरी करके कैफे है, यहाँ पे मैं आया था, मतलब मैं मैगी का ऑर्डर देना था, आते में हम खा लेंगे। अभी ये बना के रख देंगे फिर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे, अभी आगे चल के देखते हैं। मतलब ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे, बट फिर भी हो सकती है, ऐसे कुछ एंट्रेंस है यहाँ की। मैं ज़्यादा जगह तो कुछ जानता नहीं, और यहाँ पे मेरे को लगता भी नहीं कि ज़्यादा जगह है। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा है। भाई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से। मतलब वो सामने यहाँ का किला है, इस साइड में सिटी का इलाका है। थोड़ा और ऊपर से दिखाता हूँ अभी आपको। सबसे पहले तो गणपति पप्पा मोरिया, वो पूरी सिटी। अभी और ऊपर से दिखाता हूँ, इस साइड में महादेव जी का मंदिर है, वो वहाँ गणेश जी का था। धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि मंदिर के अंदर धीरे बोलना चाहिए। ये यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, वो पीछे गणेश जी का था। वहाँ पे वहाँ मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये है यहाँ से, मतलब पूरा जो व्यू आता है पीछे का, खेतों का वगैरह का सब का, ऐसा दिखता भाई ये सिटी। काफ़ी दूर में फैली हुई है, मैं तो सोचा कि बस इतनी है यार, ये जो इस साइड में दिख रही है और उस साइड में दिखती है उतनी है, बट ये काफ़ी फैली हुई है। और ये जो सामने है, ये कुचामन का किला है, और इसको बोला जाता है मतलब जागीरी किलों का सरदार बोला जाता है। मतलब जितने भी जागीरी किले थे ना, जो मैन किले होते हैं ना, जैसे मतलब किसी प्रिंसली स्टेट के, तो वो अलग होते हैं, और जो जागीरी अलग होते हैं, तो जागीरी किलों का सरदार ये इसे बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया किला था जितने भी जागीरी किले थे उनमें से। और इसकी जो मतलब बोल सकते हैं उस टाइम पे इसमें पैसा भी इतना आता होगा, इसका कलेक्शन इतना होगा, इसका टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा, उसकी वजह से है। और यहाँ पे एक होटल भी बता रहे हैं वहाँ पे किले के अंदर, तो वो कभी हम जब किला विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी ज़रूर जाएंगे, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप बस मेरे ऐसे रेगुलर ब्लॉग्स को फॉलो करते रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो, सब कुछ दिखाऊँगा जहाँ भी मैं जाऊँगा, जहाँ भी। वाइड एंगल में भी दिखा देता हूँ मैं थोड़ा आपको कैसा दिखता है यहाँ से। मतलब यहाँ पर हरियाली खूब है अभी राजस्थान के अंदर, वैसे भी हरियाली तो अच्छी रहती है और पहाड़ भी अच्छे रहते हैं।
तो इस मंदिर की खास बात ये है कि मतलब ये यहाँ के जो बड़े मंदिरों में से एक है, और है ना यहाँ पे ना जब गणेश चतुर्थी होती है तब बहुत भीड़ लगती है कि मतलब यहाँ का जो आसपास का सारा इलाका है ना, जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो जो सामने जो वाइट कलर की जो लाइनिंग बनी हुई है, जो रास्ता बना हुआ है वो भी पूरा कवर हो जाता है, और मतलब बहुत भीड़ लगती है यहाँ। गणेश जी के मंदिर के दर्शन कर लिए और अभी हम चलते हैं वहाँ पे, हमारे जो हमने ऑर्डर दे के आए थे कैफे में कि मैगी बना के रखना, हमारी वो मैगी वगैरह खा के फिर फटाक से मैं घर निकल लूँगा, और आज का ब्लॉग फिर हम यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि फिर घर जाने के बाद देखो मेरे को स्टडी भी करनी होती है, पढ़ाई भी करनी होती है, ऐसा कुछ खास दिखाने के लिए होता नहीं है। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो ब्लॉग को एक लाइक एक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना। बाय।